गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम है अजय गुप्ता। आप देख रहे हैं टॉप 20 कोचिंग। दोस्तों, आज हम स्ट्रेस और स्ट्रेन के लेक्चर 5 में बात करेंगे विभिन्न कांट वाली छड़ हो या समान कांट वाली छड़ हो उसकी लंबाई में कितना परिवर्तन होता है, उसके बारे में सबसे पहले फार्मूला डिराइव करेंगे, उसके बाद एक प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद भी हम और प्रॉब्लम को देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, जो समान कांट वाली छड़ होती है और जो विभिन्न कांट वाली छड़ होती है उनके लिए जो फार्मूले आते हैं वो कैसे आते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर मान लीजिए कि कोई छड़ है, सपोज करिए यही एक छड़ है, क्या है, विभिन्न कांट वाली छड़ है, मतलब अलग अलग इसका क्रॉस सेक्शन क्या है, अलग अलग है। अच्छा, सबसे पहले ये मुझे बताइए दोस्तों कि विकृति E बराबर क्या होता है, प्रतिबल डेल यल अपान यल, ठीक। और दोस्तों, हुक का नियम सबसे पहले आपने पढ़ा होगा, PE डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, यहाँ से P इक्वल टू आता है आपका यंग मॉडुलस E और स्मॉल E, ठीक। ये बताइए दोस्तों, यहां से आपको E बराबर क्या मिल जाता है, P अपान कैपिटल E, ठीक। दोस्तों, स्मॉल E बराबर, अब देखिए P के जगह पर P क्या है, प्रतिबल है, प्रतिबल को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स लिख सकते हैं, अपान एरिया लिख सकते हैं, ठीक। अपान में क्या है, E है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ एक इक्वेशन मिला आपको एक, यहाँ एक इक्वेशन मिला क्या दो, यहाँ भी E बराबर डेल यल अपन यल है और यहाँ भी E है, और इतना बराबर कितना है, F अपन ए E है। अच्छा दोस्तों, अब हम क्या बात करेंगे, देखेंगे कि अब ये दोनों इक्वेशन क्या होंगे, इक्वल होंगे आपस में, तो डेल यल अपन यल इक्वल टू F अपन ए E, ठीक। ये है इतना, यानी समीकरण एक और समीकरण दो को मैंने क्या किया, आपस में बराबर कर दिया, तो ये मिला मुझे निकालना क्या, लंबाई में परिवर्तन। और लंबाई में परिवर्तन होता क्या है दोस्तों, डेल यल, यानी डेल यल इक्वल टू होगा यफ, और ये कहाँ, यहाँ ट्रांसमिट हो जाएगा, यल अपान ए ई। यानी ये हमारा एक बेसिक फार्मूला बन गया, जिसमें क्या हो, अगर समान काट वाली छोड़, ठीक, इसका जो यूनिट होगा दोस्तों क्या होगा, मीटर हो सकता है, एमएम हो सकता है, जो भी आप, ये मतलब एक लेंथ है और लेंथ की आप जानते हैं यूनिट क्या होती है। ये था दोस्तों समान काट वाली छड़ के लिए। अच्छा, सपोज करिए कई विभिन्न कांट वाली छड़ो, ठीक, जैसे कि ये मैंने फिगर में दिखाया है, इसमें विभिन्न कांट वाली छड़े हैं, इसकी लंबाई में परिवर्तन ज्ञात करनी है, तब हम क्या करेंगे, मान लेते हैं दोस्तों कि इसकी लंबाई में परिवर्तन डेल L1 होगा, इसकी लंबाई में परिवर्तन डेल L2 होगा, और इसकी लंबाई में परिवर्तन डेल L3 होगा। अगर हम तीनों का बीजगणितीय योग कर लें, बीजगणितीय योग का मतलब है प्लस और माइनस कर लें, तो हमारा टोटल डेल L निकल जाएगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, जो ये डेल L निकालना है हमको, डेल L1 प्लस डेल L2 प्लस डेल L3, अगर मान लेते हैं और भी काट होते हैं, मान लीजिए डेल N यन काट होते हैं, तो डेल यन तक हम जाएंगे, ठीक। तो इसके लिए फार्मूला दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए आप लिख सकते हैं डेल एल बराबर डेल एल वन प्लस माइनस डेल एल टू डॉट डॉट डॉट, मान लीजिए कि क्या है, डेल एल एन है, ये है हम लोग के पास। अब हम क्या करेंगे, डेल L की वैल्यू ज्ञात करनी है, मान लेते हैं डेल L1 में जो फोर्स लगा कितना लगा, F1 लगा, और इसकी लंबाई मान लेते हैं कितनी, L1 थी, और मान लेते हैं इसकी क्रॉस सेक्शन की थी कितनी थी, A1 थी, उसके बाद मान लेते हैं इसका यंग मॉडुलस क्या होती है, E1 थी। वैसे ही सेम सेकेंड प्रोसेस में मान लेते हैं कि सेकेंड की जो होगी F2 फोर्स लगेगा, लंबाई L2 होगा, और उसकी क्रॉस सेक्शन A2 होगा, और क्या होगा, यंग मॉडुलस क्या होगा, E2 होगा। इसी प्रकार दोस्तों प्लस माइनस जैसे कि करते जाएंगे, और लास्ट में क्या होगा, यफ यन होगा, और क्या होगा, यल यन होगा, अपान में ए एन होगा, और ई एन होगा। ये हमारा क्या बन जाता है दोस्तों, एक फार्मूला बन जाता है, किसके लिए, किसी भी, ये समान काट वाली छड़ के लिए है,
और ये असमान काट वाली छड़ के लिए लंबाई में परिवर्तन निकालने के लिए बेसिक फार्मूला बन गया। इसी फार्मूले के हेल्प से दोस्तों हम इस क्रॉस सेक्शन यानी कि जो भी हमने छड़ दिखाया है इस छड़ का पूरे छड़ की लंबाई में परिवर्तन यानी डेल एल निकालेंगे। ठीक, अब मैंने यहाँ प्लस माइनस दिखाया है, इसका मतलब ये है कि जहां पे टेंसाइल होगा वहां पर प्लस ले लेंगे, जहां पर कंप्रेसिव होगा वहां पे क्या लेंगे माइनस लेंगे और हम इसका सॉल्व करेंगे। आइए दोस्तों इसका हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद आप आगे के मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ठीक दोस्तों, तो अब आगे हम उस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर ये हमारी छड़ आगे जो दिखाई गई है विभिन्न काट वाली छड़ है, इसको अगर हमको निकालना है तो सबसे पहले ये क्या करेंगे, जो ये तीन छड़ है, ए है, दो है और तीन है। ठीक, अब एक दो तीनों छड़ के लिए क्या कर लेंगे, अलग अलग हम क्या कर लेते हैं, गणना कर लेते हैं। अच्छा चलिए, अलग अलग हम क्या बना लेते हैं, फिगर बना लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जो छड़ थी यहाँ अलग बना दिया मैंने, दूसरी वाली छड़ मैंने यहाँ बना दिया और तीसरी वाली छड़ यहाँ बना दिया। ठीक दोस्तों, अब क्या करना है, सबसे पहले इसमें फोर्स का डिवीजन करना है कि किस तरह से फोर्स डिवाइड होगा। अच्छा, फोर्स को डिवाइड करने के लिए सबसे पहले ये तीन जो बॉडी है इस पर कितने कितने बल लग रहे हैं, इसको गणना करने के लिए मैंने एक छोटा सा ट्रिक बताया आपको कि कैसे आप ट्रिक से निकालेंगे। और बहुत अच्छा ये ट्रिक है, आप ध्यान से देख लीजिए, दो मिनट में आप समझ जाएंगे कि क्या कैसे फोर्स को डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले क्या करिए दोस्तों, इस पे फर्स्ट पे निकालना है इस क्रॉस सेक्शन पे, तो इधर हाथ रखिए। अब देखिए इस पर कौन से फोर्स दिख रहे हैं, एक ही फोर्स दिख रहा है 40 किलो न्यूटन का, इधर का सब छोड़ दीजिए, राइट साइड में एक ही फोर्स दिख रहा है कितना 40 किलो न्यूटन का, तो ये इसको 40 किलो न्यूटन अंदर की तरफ लगा रहा है। ठीक ठीक दोस्तों, अगर ये अंदर की तरफ लगा रहा है 40 किलो न्यूटन, तो सेम इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी 40 किलो न्यूटन का फोर्स लगेगा, तभी क्या होगी ये छड़ संतुलित रहेगी। अब हम फर्स्ट वाले पे तो जान गए कि कितना फोर्स किधर से लग रहा है, सेकेंड वाले की बात करें तो आप क्या करिए, सेकेंड के लेफ्ट साइड को बंद कर दीजिए और राइट साइड को पूरे देखिए। इसके राइट साइड में देखिए एक 40 किलो न्यूटन, यहां भी 40 किलो न्यूटन, दोनों को जोड़ लेंगे तो आएगा हमारा 80 किलो न्यूटन, और ये भी किस में होगा, कंप्रेसिव में ही तो होगा। यानी कि दोस्तों जब भी हम दूसरे छड़ की बात करेंगे तो राइट साइड में जितने भी फोर्स लगे हैं, चाहे हम तीसरे की बात करें तो राइट साइड में जितने भी फोर्स लगे हैं, सबका बीजगणितीय योग ही क्या होगा, उस छड़ पे हमारा बल लगेगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, दूसरे छड़ पे मैंने क्या किया, इसको क्लोज किया, तो 40 किलो न्यूटन का ये फोर्स था, 40 किलो न्यूटन का ये फोर्स था, और दोनों मिलाकर एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो दोनों मिला देंगे तो कितने हो जाएंगे 80 किलो न्यूटन, और किस में, कंप्रेसिव में। ठीक, सेम इस पे भी क्या हो जाएगा 80 किलो न्यूटन, किस में, कंप्रेसिव में। ये हमारे दो छड़ों पर पता चल गए कि हमारा कितना फोर्स लगा। सेम वही प्रोसेस तीसरे वाले पे जब करेंगे तो वही प्रोसेस को बंद करिए। ठीक, अब देखिए ये 40 किलो न्यूटन, ये 40 किलो न्यूटन, एक डायरेक्शन में 80 किलो न्यूटन, अपोजिट डायरेक्शन में 50 किलो न्यूटन, बचा कितना रिजल्टेंट 30 किलो न्यूटन, और अधिक कौन सा है, देखिए कौन सा फोर्स लगेगा, कंप्रेसिव ये भी लगेगा, यानी कि ये भी क्या हो गया 30 किलो न्यूटन का कंप्रेसिव फोर्स लगा दिया। ये हमने दोस्तों फोर्स को डिवाइड जब कर लिया तब हम बहुत ही आसान तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमारा क्या था, तीन छड़ है, तो डेल एल निकालने के लिए क्या करते हैं, डेल एल वन प्लस डेल एल टू प्लस डेल एल थ्री निकालते हैं। अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, डेल एल निकालने के लिए इसके जगह पर लिखते हैं एफ वन एल वन अपान ए वन ई वन, ठीक, प्लस इसके जगह पर एफ टू एल टू प्लस अपान ए टू ई टू प्लस एफ थ्री एल थ्री अपान ए थ्री ई थ्री। ये मैंने सूत्र लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, जितने भी मैंने यहाँ पे इसमें पता किया है जो भी हमने कैलकुलेशन, उसको हम सबसे पहले देखिए, हमको सबसे पहले क्या जरूरत चाहिए, एफ चाहिए, एल चाहिए, ए चाहिए, ई चाहिए। ठीक, सबसे पहले
तीन है तो तीनों को यहाँ वैल्यू रख दिया जाए, एक यहाँ और एक यहाँ, तीनों का मान निकाल लिया जाए। अब आप देखिए कि एफ वन की वैल्यू कितनी है इस पे, 30 किलो न्यूटन, ठीक। और बताइए एफ टू की वैल्यू कितनी है, 80 किलो न्यूटन, और इसी तरह एफ थ्री की वैल्यू कितनी है, 40 किलो न्यूटन। एफ के बाद हमको क्या चाहिए, एल वन चाहिए, एल वन निकालिए, एल टू निकालिए, एल थ्री निकालिए, जो कि क्वेश्चन में दे दिया है। एल वन बराबर दिया है 1500 mm, और L2 बराबर दे दिया है 1000 mm, इसी तरह L3 बराबर दिया है आपको 1500 mm, ठीक, 1000, 1500, 1500। अब हमको क्या गणना करनी पड़ेगी, A1 गणना करनी पड़ेगी। अब देखिए इस क्वेश्चन में दे दिया है E बराबर 200 गीगा पास्कल, जब 200 गीगा पास्कल दिया है तो ये सबके लिए क्या दिया, समान दिया है। तब हम क्या करेंगे, E को पहले यहाँ देखिए एमएम में है, इसको सबसे पहले किस में कर लेते हैं, एमएम में, यानी कि गीगा पास्कल को न्यूटन पर एमएम में चेंज करते हैं, तो 200 अगुणे 10 पे पावर कितना, 3 लिख देते हैं, तो ये कितना न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में चेंज हो जाता है। मैंने ई का सब जगह क्या किया, सेम वैल्यू रखा, यानी हमको ई क्या हो जाएगा, हर जगह सेम ही मिलेगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, A1, A2 और A3 बस निकालेंगे, इसमें पुट करेंगे, हमारा मान निकल जाएगा। A1 निकालते हैं दोस्तों, तो देखिए A1 बराबर क्या होगा, चूंकि ये क्या है, छड़ है, वृत्ताकार होगी, अब उसका कितना एरिया होता है, पाई डी स्क्वायर बाई हो, ठीक, तो मान लीजिए इसका D1। इसी तरह A2 जब निकालेंगे तो पाई डी टू स्क्वायर अपन फोर, और इसी तरह A3 जब निकालेंगे तो पाई डी थ्री स्क्वायर अपन फोर। अब देखिए यहाँ पे डी बराबर देखिए 35 फाई दिया है, इसके लिए 35 फाई दिया क्वेश्चन में, दूसरे के लिए 60 फाई दिया है, और तीसरे के लिए भी कितना दिया, 35 फाई दिया। देखिए इसका और इसका डाया सेम दिया है, मतलब इसका जो क्रॉस सेक्शन जो एरिया आएगा क्या होगा, सेम सेम होगा। किसी एक का एरिया निकाल लेते हैं, दोनों में लिख लेंगे, और तीसरे का निकाल लेते हैं। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ निकाल के वहाँ वैल्यू पुट करता हूँ, ठीक दोस्तों। अब देखिए अगर आप A1 की वैल्यू निकालेंगे तो पाई लिखा आपने, ठीक, उसके बाद आपने D कितना लिखा, 35, अब इसका स्क्वायर करिए, ठीक, और अपान क्या लिखिए, 4 करिए, तो ये हमारा क्या निकलेगा, A1 निकलेगा। अब आप इसको क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसका मान कैसियो में भरिए इसको, और कैसियो में भरने के बाद से दोस्तों आपका मान निकल जाएगा, ठीक। अच्छा दोस्तों, इसको हम क्या करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, आप लोग इसको निकालिएगा अलग अलग, मैं इसको डायरेक्ट पुट करता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इसको डायरेक्ट पुट करके आपको हल करा देता हूँ, ठीक। अब देखिए डेल एल बराबर एफ वन का मान हमने कितना निकाला है, 30, चूंकि किलो न्यूटन में है तो इसको न्यूटन में चेंज करने के लिए 10 के पावर कितना में 3। एल वन का मान कितना है बताइए, 1500 है, और ए वन का मान क्या, पाई। डी वन का मान कितना है, इसका क्या होगा, पाई डी वन स्क्वायर अपान फोर, यानी कि 35 का स्क्वायर अपान फोर, इंटू ई का मान कितना दिया है आपको दोस्तों, 200 गुणे 10 पे पावर 3। सेम इसी तरह एक ये क्वेश्चन है, क्या हो रहा है, एफ टू है, तो सेम एफ टू का मान कितना है, यहाँ से पुट करिए, 80 गुणे 10 पे घात 3, और एल टू कितना है, 1000 बटा, चूंकि ये कंप्रेसिव फोर्स लग रहे हैं सबको मैंने माइनस ले लिया, ठीक। अब क्या होगा, यहाँ पे ए टू निकालना है दोस्तों, तो लिखिए पाई डी टू स्क्वायर, यानी कि डी का मान कितना है, डी टू का मान 60 है, इसका स्क्वायर अपान 4 लिख दीजिए, ठीक, इनटू ई टू का मान जब रखेंगे आप लोग तो 200 गुणे 10 पे घात 3, जो यहाँ से मैंने रख दिया। सेम यही प्रोसेस हम क्या करते हैं, तीसरे के लिए कर लेते हैं। तीसरे के लिए जब करेंगे दोस्तों, तो हमारा एफ थ्री का मान यहाँ से उठाएंगे तो कितना आ रहा है, 40 गुणे इसको किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज कर लिया, इंटू कितना है L3, 1000, और बटा में कितना है A3, A3 यानी पाई,
और कितना 35 का स्क्वायर अपान 4 और इनटू क्या होगा 200 गुणे 10 पे घात 3। ये क्या है, ई का मान है। अब इसको क्या करते हैं, तीनों को हम कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद डायरेक्ट मैं इसका कैलकुलेशन आप लोग कैसे में भर सकते हैं और लिख सकते हैं। दोस्तों मैं इसका कैलकुलेशन डायरेक्ट रखता हूं, आया है आपका सबसे पहले 0.34, इसका 0.324। ठीक, देखिए मैं माइनस कॉमन कर लेता हूं सब में। ठीक, जब आप इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आपका आएगा 0.1415। जब थर्ड वाले पोर्शन यानी इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आपको आएगा 0.312। अब देखिए चूंकि ये कंप्रेसिव है, सब में माइनस था, माइनस कॉमन कर लिया। अब टोटल हमारा जो डेल एल आएगा वो दोस्तों आ रहा है माइनस 0.6875। ये किस में आएगा, mm में आएगा। ठीक, ये था दोस्तों आज का हमारा सुंदर सा और अच्छा सा एक छोटा सा ट्रिक के माध्यम से विभिन्न काट और समान काट वाली छड़ की लंबाई में परिवर्तन ज्ञात करने का एक न्यूमेरिकल। उसके बाद इससे पहले हमने क्या किया था, डेरिवेशन। मेन इसमें दोस्तों क्या है, फोर्स को डिवाइड करना। ये तो एरिया सब लोग निकाल देंगे, ये तो मैंने कैलकुलेशन किया इसलिए मैंने वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने ऐसे रख लिया। अब हम आते हैं दोस्तों एक दो क्वेश्चंस और लेते हैं और उसमें फोर्स बल डिवाइड कर देते हैं, उसके बाद आप लोग ये फार्मूला रख के आप सॉल्व करेंगे। ठीक, तो आप लोग लिख उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं वीडियो को पूछ करके। ठीक, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखता हूं दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, उसके बाद मैं उसका फोर्स डिवाइड कर देता हूं और आप लोग उस फोर्स को जब डिवाइड कर लेंगे उसके बाद वैल्यू पुट कर देंगे, आपका काम अच्छा हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों एक क्वेश्चन दिया गया है, एक ऐसे फिर सेम ऐसे कुछ दिया है, इसमें फोर्स कुछ अलग दिया है। ठीक, अब देखिए दोस्तों इसमें जो फोर्स दिया है, सबसे पहले 200 किलो न्यूटन का टेंसाइल पे दिया। ठीक, उसके बाद से अंदर की तरफ दिया है 500 किलो न्यूटन, उसके बाद से 350 यहां दिया है और लास्ट में दिया आपको इधर से 50 किलो न्यूटन। इसकी लंबाई को हमको गणना बाद में करेंगे दोस्तों, सबसे पहले फोर्स निकाल लेते हैं उसके बाद से लंबाई तो जो दिया रहेगा वो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम फोर्स निकालने के तरीके बता देते हैं, आप लोग अपना सॉल्व करिएगा सूत्र में रख के। बाकी आपको लंबाई दिया रहेगा, ई का मान दिया रहेगा, डी का मान दिया रहेगा, आप वहां से एरिया निकाल सकते हैं, बस आप फोर्स डिवाइड करना है जो कि सबको प्रॉब्लम होती है। देखिए सबसे पहले क्या करिए, इसका निकालना है तो इधर हाथ लगाइए, इसके राइट साइड में फोर्स कौन सा है 200 किलोन्यूटन, किसमें, टेंसाइल में, एक ही फोर्स लग रहा है टेंसाइल में, कितने में 200 किलो न्यूटन का। जब इधर टेंसाइल में लगेगा तो इसको संतुलित कौन करेगा, 200 किलो न्यूटन ही करेगा। ठीक, उसके बाद से ये वाला पद गणना करनी है तो इसको बंद करिए। ठीक, अब जब इसको बंद करेंगे तो ये 500 किलो न्यूटन का इधर लग रहा है, 200 किलो न्यूटन का इधर लग रहा है, अधिक कौन है अंदर की तरफ कंप्रेसिव वाला, और कंप्रेसिव वाला आपको कितना लगा रहा है, देखिए ये 500 अंदर लग रहा है और 200 इधर लग रहा है, यानी कि 300 किलो न्यूटन का इसका परिणामी फोर्स लग रहा है, 300 किलो न्यूटन का, किस तरह अंदर की तरफ, तो इधर भी 300 किलो न्यूटन का, आंख बंद करिए और लगा दीजिए। थर्ड वाला आता है जैसे ही आप यहां से बंद करिए और फिर इसके राइट साइड में जितने फोर्स लगे हैं उसकी गणना कर लीजिए। जब यहां से बंद करेंगे तो देखिए इतने का हम लोग का 300 न्यूटन आया था, अब ये किसमें है, कंप्रेसिव में आया था, ये किसमें, टेंसाइल में है, तो घट जाएगा और 350 अधिक है, 300 कम है, तो क्या करेंगे, यहां बचेगा क्या 50, और 50 किसमें होगा, टेंसाइल में होगा, 50 किलो न्यूटन, यानी इधर से भी हम 50 किलो न्यूटन मिल गया, और ये हमने बलों का विभाजित खूब अच्छे से सीख किया सही तरीके से। थैंक यू दोस्तों आज की वीडियो में बस, अब हम आगे की वीडियो में स्ट्रेस स्ट्रेन के कुछ और टॉपिक देखेंगे या नेक्स्ट